ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। बड़ी खबरें बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां हीराबेन के तबियत बिगड़ गई, जिनका अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करावा गया है। मां के बिगड़ी तबियत का जान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलाए अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां उनके साथ मंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ मंत्री घलाए शामिल हैं। इस दौरान बता दें कि अस्पताल परिसर के बाहर लोगों के हुजूम देखने को मिला। वह दूसरी कई खबर यह मिली है कि नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार के अचानक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट भीषण रहा। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे समाचार इनका प्रणाम कहते शुरू कहते बड़ी खबर से बता दें कि मंगलवार देर रात हीराबा के तबियत बिगड़े के बाद उनका अस्पताल के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवावा गया है। अस्पताल के डॉक्टर की टीम के द्वारा लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। अस्पताल के द्वारा दोपहर का हेल्थ बुलेटिन जारी करके बतावा गया कि हीराबेन की तबियत अब स्थिर है। बता दें कि जून के महीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के 100वां जन्मदिन रहे। दौरान प्रधानमंत्री घलाए अपने मां के साथ उपस्थित रहे। वह दूसरे कई बता दें कि प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी के मर्सिडीज कार का मंगलवार का कर्नाटक में एक्सीडेंट हो गया। हादसे में प्रहलाद मोदी के पोते के पैर का फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है। वह प्रहलाद मोदी समेत परिवार के 4 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सबका इलाज खातिर मैसूर के JS अस्पताल में भर्ती करवावा गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा मैसूर के लगे मंगलवार दोपहर 2 बजे भा, जहां प्रहलाद अपने पत्नी बेटा बहू और पोता के साथ बांदीपुर जा रहे। यही दौरान मर्सिडीज कार रोड डिवाइडर से टकराए गए और हादसा में मर्सिडीज कार बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। अगला पहिया निकल के अलग हो गया। गनीमत यह रही कि मर्सिडीज में सवार परिवार का जोन है कोनोमेर के गंभीर चोट पहुंचे की जानकारी सबसे नहीं आई है। हालांकि एक्सीडेंट की जानकारी लगता है मैसूर के SP सीमा लटकर मौके पर पहुंची और मौका मुआयना की गया है। घायलन से मिले खातिर के बाद अस्पताल का रवाना हो गई है। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम।